सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। सत्य क्या है ये कहना बहुत आसान है। सत्य है, केवल सत्य है कि आप आत्मा हैं। ये मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार आदि जो उपाधियां हैं उससे परे आप आत्मा हैं। किंतु अभी तक उस आत्मा का प्रकाश आपके चित्त पर आया नहीं, या कहें कि आपके चित्त में उस प्रकाश की आभा दृष्टिगोचर नहीं हुई। पर जब हम सत्य की ओर नजर करते हैं तो सोचते हैं कि सत्य एक निष्ठुर चीज है, एक बड़ी कठिन चीज है। जैसे कि एक जमाने में कहा जाता था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, तो लोग कहते थे कि जब सत्य बोलेंगे तो वो प्रिय नहीं होगा और जो प्रिय होगा वो शायद सत्य भी ना हो, तो इनका मेल कैसा बैठाना चाहिए। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर बड़ा सुंदर दिया है, सत्यम वदेत हितम वदेत प्रियम वदेत। जो हितकारी होगा वो बोलना चाहिए। हितकारी आपकी आत्मा के लिए, वो आज शायद दुखदाई हो लेकिन कल जा करके वो प्रियकर हो जाए। ये सब होते हुए भी हम लोग एक बात से कभी कभी चूक जाते हैं कि परमात्मा प्रेम है और सत्य भी प्रेम ही है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो उसके बारे में हर चीज को वो जानती है। उस प्यार ही से उद्घाटन होता है उस सत्य को जो कि उसका बच्चा है। और प्रेम की भी व्याख्याएं जो हमारे अंदर हैं वो भी सीमित मानव की जो चेतना है उससे उपस्थित हुई। वास्तविक में प्रेम किसी चीज से चिपक ही नहीं सकता। प्रेम तो उसी तरह की चीज है जैसे कि एक वृक्ष में उसका जो प्राण रस है वो चढ़ता है और जड़ों को, उसके पत्तियों को, उसके फूलों को, फलों को पूर्णतया आशीर्वादित करता हुआ फिर लौट जाता है। लेकिन अगर सोचे कि वो कहीं जाकर के एक फूल में अटक जाए और कहे कि ये फूल मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, तो उस पेड़ की तो मृत्यु होगी ही और उस फूल की भी हो जाएगी। सो ये जो चिपकने वाला प्रेम है ये मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब दो इंसान में प्यार होता है थोड़े दिन बाद वो प्यार बैर भी हो सकता है। इसी प्रकार दो देशों में प्यार हो कल वो भी बैर हो सकता है, दो जाति में प्यार हो वो बैर हो सकता है। ये प्रेम बैर कैसे हो जाता है ये बड़ी सोचने की बात है। इसलिए कि प्रेम का सत्य स्वरूप हमने जाना नहीं। परमात्मा का प्रेम बहता है, देता है, करता है और उसके बाद कहीं चिपकता नहीं, किसी में अटक नहीं जाता। लेकिन हम लोग इस दोनों का मेल नहीं बिठा पाते कि सत्य और प्रेम एक ही चीज, जैसे चांद और उसकी चांदनी और सूर्य और उसके किरण, जैसे अर्थ और शब्द दोनों एक साथ मेल खाते हैं उसी प्रकार सत्य और प्रेम दोनों एक साथ है। इसीलिए बहुत से लोग सत्य के खोज में न जाने क्या क्या विपदाएं उठाते, क्या क्या तकलीफें उठाते। वो सोचते हैं कि जब शरीर को दुख दिया जाएगा तो हमें सत्य मिल जाएगा। शरीर को दुख देने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि शरीर परमात्मा ने बनाया है और वो एक मंदिर है, उसमें एक दीप जलाना। जैसे आजकल विदेशों में एक पागलपन सवार है कि हर इंसान जो है वो बिल्कुल मच्छरों जैसा पतला दुबला हो जाए, उसके लिए सब आदमी इस तरह से मेहनत करते हैं कि मच्छरों जैसे होने के लिए, उसके वजह से अनेक बीमारियां वहां लोगों में आ गई और इन मच्छरों को कोई सुख मिला ऐसा दिखाई नहीं देता, ना उस देश में कोई आनंद। तो दृष्टि कहाँ गई, एक बहुत ही स्थूल चीज के ओर।
जिसका कोई भी अर्थ नहीं लगता है। जिसकी दृष्टि स्थूल होगी वो स्थूल ही चीजों को देखता है, लेकिन सूक्ष्मता से आप विचार करें कि इस तरह के पागलपन से क्या परमात्मा किसी को भी मिला है? क्या परमात्मा को इसमें सुख होगा कि आप अपने को दुख दें? ईसाई लोगों ने तो हद कर दी कि ईसा मसीह की हड्डियां निकाल के और टांग देते हैं और कहते ये ईसा मसीह है। देखकर मेरा जी ऐसा लगता है कि इनसे पूछा जाए कि जिस इंसान ने एक इतने बड़े क्रॉस को अपने कंधे पर उठाया था, क्या वो इन हड्डियों के बूते पर? लेकिन इसमें एक समाधान उन लोगों के पास है कि हम किसी जालिम तरीके से, कोई दुष्ट क्रूर प्रकृति से ईसा मसीह की ओर देखें। यही चीज आपको आगे हम सुनाते हैं। सो ये जो प्रेम की शक्ति है, इस प्रेम की शक्ति को समझने के लिए बड़ा भारी हृदय चाहिए। जिस इंसान के पास हृदय नहीं होगा वो इसे समझ नहीं पाएगा। जैसे कि सिस्टीन चैपल, जो कि आप रोम में जाए वेटिकन में देखें, तो वहाँ माइकल एंजेलो नाम के एक बहुत बड़े कलाकार ने सारा कुंडलिनी का चित्र बना कर रखा और आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह को खड़ा किया है, वो भी गणेश जी जैसे लंबोदर खड़े हुए और इधर से उधर लोगों को फेंक रहे हैं। उसका नाम उन्होंने लास्ट जजमेंट कहा हुआ है, लेकिन पूरी कुंडली दिखाई है। अगर आपको कुंडलिनी का ज्ञान हो तो आप अवाक रह जाएं कि इस आदमी ने कौन सी दृष्टि से ये सब चित्र देखा और इस तरह से सब चित्र बनाया। लेकिन उसी के नीचे वो हड्डी वाला ईसा मसीह रखा हुआ है, देखकर ग्लानी होती। कम से कम हमारे भारतवर्ष में किसी भी अवतारों को हड्डी मार का नहीं दिखाते, और नहीं ये माना जाता है कि हड्डी मार का परमात्मा हो सकता। वजह ये है कि हमारे अंदर प्रेम की दृष्टि नहीं, या तो हमारे अंदर वासना है और दुष्टता है। जिसके अंदर प्रेम की दृष्टि होती है वही गहन उतर सकता है। जैसे मैंने कहा कि हृदय का बड़ा होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप अपने हृदय को बड़ा करने के लिए अवास्तव तरीके से दान पुण्य करें, चोरों को भी दान करें, और जो बहुत से गुरु बन के घूमते हैं उनको आप दान करते। फिर धर्म की व्याख्या कृष्ण ने जितनी सुंदर की है मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर पाया होगा। कारण वो एक बड़े भारी होशियार डिप्लोमैट थे। उन्होंने कर्ण के जीवन में बताया कि कर्ण बहुत दानशूर थे, बहुत दानी थे, अत्यंत धार्मिक, हर समय पूजा पाठ आदि में व्यस्त रहते थे, और वो पांडवों के सबसे बड़े भाई क्षत्रिय थे। लेकिन जिस वक्त उनका पांव युद्ध में चक्र में फंस गया, उस वक्त अर्जुन ने अपना गांडीव उनके ऊपर उठाया। उस वक्त उन्होंने चुनौती दी। कर्ण ने कहा कि अर्जुन तू भी वीर है और मैं भी वीर हूँ और हम क्षत्रिय हैं, और एक निहत्ते वीर पर दूसरे वीर का हथियार उठाना धर्म में मना है। कृष्ण ने तब अपनी ये उंगली आगे करके कहा कि इसे तू मार, अहिंसा की बात नहीं करी, इसे तू मार। जिस वक्त द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी तब इनकी वीरता कहाँ गई थी? तब ये कहाँ थे? इतनी धर्म की सुंदर व्याख्या, आपकी वीरता, आपकी दानशूलता, आपका धर्म, सब कुछ एक तरफ, और एक स्त्री की लाज बहुत बड़ी चीज। उसी कृष्ण के भारतवर्ष में अगर हम देखें तो धर्म के नाम पर ही स्त्री के साथ जो अत्याचार हम लोग कर रहे हैं, वो क्या हम अपने को भारतीय कहलाने के लायक हैं? भारतीय संस्कृति की हम डींगे पीटते रहते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में इस योग्य हैं? जब बाहर जाकर के लोग बताते हैं कि बहुओं को जला दिया, घर में आई हुई लक्ष्मी को मार डाला, तो दूसरे लोग पूछते हैं कि आपके देश में बहुत बड़ी योग भूमि है, बहुत कुछ शास्त्र हुआ,
बहुत कुछ लोग धार्मिकता की बात करते हैं, बड़े ही वहां पर बड़े बड़े व्याख्यान लोग देते हैं, तो ऐसे देश में ऐसी दुर्धर बातें, ऐसी भीषण हत्याएं कैसे हो सकती? क्या जवाब है हमारे पास इसका? एक ही जवाब मैं देती हूं कि श्री कृष्ण ने कहा था कि योग क्षेम वहम्यम, इसमें भी पकड़ है, योग क्षेम वहम्यम, पहले योग होना चाहिए फिर मैं इनका क्षेम देखूंगा। उन्होंने क्षेम योग क्यों नहीं कहा? पहले योग होगा तब मैं इनका क्षेम करूं। ये धर्म की व्याख्या है कि प्रथम आप योग को प्राप्त हो। अगर आप भारतीय संस्कृति की इतनी बढ़ाई करते हैं तो सबसे बड़ी चीज, सबसे महान तत्व एक ही है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। अपने चित्त का निरोध बताया गया है, अष्टांग योग बताए गए हैं, अनेक विधियां बताई गई हैं, किस लिए? कि आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त। लेकिन देखिए कि कितने लोग इधर नजर करते हैं। ईसा मसीह ने यही कहा कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए, पर कितने ईसाई इस बात को सोचते हैं? बपतिस्मा कोई भी आकर के सर पे हाथ रख के कह देता कि तू ईसाई हो गया। ऐसे ही हमारे यहाँ किसी भी आदमी के गले में अग्निपवीत किसी ब्राह्मण ने लाकर डाल दिया, हो गया ब्राह्मण। कौन है ब्राह्मण? जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, द्वि जायते सा, जो दूसरी मर्तबा पैदा हुआ है, माने जिसका दूसरा जन्म हुआ है उसको द्विज कहते हैं। पक्षी को भी कहते हैं और मनुष्य को भी कहते हैं, कि पक्षी पहले अंडर रूप से आता है और उसके बाद उसका जब दूसरा जन्म होता है तो पक्षी हो जाता है। जब तक मनुष्य का दूसरा जन्म नहीं होता, माने उसका आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक वो ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकता। और जब तक उसने ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, उसको अपने को ब्राह्मण कहने का कोई भी अधिकार नहीं। इसके शास्त्रों में अनेक आधार हैं। गीता पर बहुत लोग कहते हैं, मैंने तो कभी गीता पढ़ी भी नहीं। गीता में लोग कहते हैं कि जो जन्म से जिस जाति में पैदा हुआ वही उसकी जाति हो ही नहीं सकता। कारण जिसने गीता लिखी वो व्यास किसके बेटे थे? एक धीमरनी के, वो भी जिनका पता नहीं था बाप का। जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी वो कौन थे? एक फिर वही धीमर मछली पकड़ने वाले, वो भी डाकू, उनसे रामायण लिखवाई परमात्मा ने। जिन्होंने शबरी के बेर खाए झूठे, जिन्होंने विदुर के घर जाकर के साग खाया, इन सब अवतारों को समझने के लिए पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बाह्य के हम लोगों ने तरीके बनाए हैं कि तुम इस जाति के, तुम इस पंथ के, ये सब मनुष्य ने बनाए हुए बेकार के कारनामे, यही हमारे जेल हैं जिनमें हम रहते हैं और बहुत संतुष्ट हैं कि हम इस धर्म, इस संप्रदाय के हैं। सारे संप्रदाय एक बुद्धि का ही खेल है, जिसे कि मेंटल प्रोजेक्शन कहिए, जो कि सब तरफ नहीं फैलता, सिर्फ एक दिशा में जाता है और फिर लौट के चला जाता है। जितनी भी इस तरह की धारणाएं हैं ये अधर्म की है, धर्म की हो ही नहीं सकती। जो एक इंसान को दूसरे इंसान से हटाता है या किसी भी बात से ये कहता है कि हम उनसे ऊंचे और वो हमसे नीचे हैं, वो धर्म नहीं हो सकता। आज अपने देश में एक क्रांति की जरूरत है, बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है, जहाँ के हम आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करें। इस सशा अमला भारत भूमि पर जहाँ हमारा जन्म हुआ है, ये वास्तविक में ही योग भूमि है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं। लेकिन जब हमने अपने आत्मा को ही नहीं पाया, तो सिर्फ ये योग भूमि कहने से आप इस योग भूमि के पुत्र नहीं हो सकते। योग को आपने जब प्राप्त नहीं किया तो आप इस योग भूमि को क्या, ये तो ऐसे ही आप रास्ते पे घूमते फिरते रहते हैं, इस पे तो कुत्ते बिल्ली सभी घूमते। लेकिन अगर आप इसके वास्तविक में ही एक गौरवशाली पुत्र हैं, तो आप में योग स्थापित होना चाहिए। बातें करना और धर्म के नाम पे इसको त्यागना उसको त्यागना,
या किसी से कुछ लूट मार करना एक किसी भी तरह से धर्म नहीं है। और एक बड़ी ग्लानि की बात है कि बाह्य के देशों में हम लोगों के बारे में जो चित्रण दिया जाता है वो अत्यंत कलुषित है। बाहर के लोगों के बारे में मुझे कोई भी आस्था नहीं, ना ही मैं कुछ सोचती हूँ कि ये लोग किसी काम के हैं। परमात्मा के साम्राज्य में जाने के लिए काफी लोग बेकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। दो चार कहीं कहीं मिल जाते हैं तो लगता है चलो भाई मिल गए, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो आप लोगों से कहाँ पहुंच जाते हैं। उसका उदाहरण आपने एक डॉक्टर वॉरेन को देखा, और ऐसे अभी हजारों हैं, हजारों में। वजह यह है कि इनमें शुद्ध बुद्धि आ गई है, बुद्धि की टकरे लेते लेते इनमें शुद्ध बुद्धि आ गई है, और ये अब समझते हैं कि इस शुद्ध बुद्धि से ये देखा जा रहा है कि सत्य क्या है, और सत्य को पकड़ना है और असत्य जो है उसे छोड़ना ही होगा। ये कहिए कि इनकी विल पावर, आत्मशक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि एक बार जब इन्हें सत्य मिल जाता है तो उसे इस तरह से पकड़ लेते हैं। आप लोग गणेश जी के बारे में मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं जानते जो ये लोग जानते हैं, हालांकि मैंने उन्हें बताया है ये दूसरी बात, पर तो भी वो जानने के लिए भी तो लोग चाहिए। हाँ, तो जब आइए हिंदुस्तान में तो मेरे बाप को बीमारी है, मेरे माँ को बीमारी, तो मेरे फलाने को बीमारी, माँ इनको ठीक कर दीजिए, या तो कुछ पैसा दे दीजिए या तो कुछ नौकरी दे दीजिए। इसी से कोई सतह से ऊपर उठा तो वो धर्म मार्तंड बन के मुझसे वाद विवाद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे धर्म मार्तंडों से कहने की बात यह है कि जिन्होंने आदि शंकराचार्य को परास्त करने पर उन्होंने फिर सिर्फ माँ की ही स्तुति लिखी, उसे कुछ अकल नहीं, आखिर उन्होंने पाया ही क्या है जिसके बूते पर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें और लेक्चर देते रहते हैं बगैर पाए हो। ठूठ जैसा शरीर और बड़ी बड़ी बातें, इसमें अर्थ क्या है? कुछ तुमने पाया नहीं, इस एक बात को सिर्फ मान लेने से ही बहुत कुछ काम हो सकता है। क्योंकि जब आदमी असत्य पे खड़ा होता है तो उसमें बड़ा अहंकार होता है। आपने देखा महिषासुर को, आपने देखा रावण को, उनकी बातचीत सुनी। उस अहंकार में मनुष्य यही सोचता है ये क्या जाने, हम तो सब भगवान के बारे में जानते हैं। और कुछ कुछ लोगों का तो ये भी विश्वास है कि अरे भगवान तो हमने बनाए हुए हैं, इनको तो बेवकूफ बनाने के लिए भगवान चीज है। अब उसमें से कोई अति अकलमंद निकल आए हैं, वो फरमाते हैं कि हाँ भगवान भगवान तो हम मानते नहीं, हम तो बहुत सत्यवचनी है, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं। क्या कहने, एक से एक बढ़ के विद्वान इस देश में पसे। तो जब ऐसे बाहर से लोग आके कुछ समझाएंगे हो सकता है कुछ खोपड़ी में बाज जाए, लेकिन उससे पहले ही सर्वनाश की तैयारी हो रही है। ये समझ लीजिए कि सर्वनाश पूरी तरह से इस देश को खाने के लिए तैयार हो रहा है। उसका कारण ये नहीं है कि हम लोग पापी हैं या बुरे हैं, किंतु ये है कि हम अज्ञान को ही ज्ञान समझ के बैठे। अगर आपने अज्ञान को ज्ञान समझ लिया तो क्या होगा, अंधेरे में अगर आप लोग सब बैठे और चलना फिरना शुरू कर दिया तो कोई किसी के ऊपर कूदेगा, कोई किसी को मारेगा, कोई दौड़ेगा। अंधाधुंध जो चीज हो रही है, ये जो भ्रांति आ रही है, इसका कारण एक है कि हमें ज्ञान नहीं। अब ज्ञान हमें होना चाहिए, इसके प्रति किसकी रुचि होनी चाहिए कौन जानेगा। यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, वो अपने पठनों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परमात्मा का पता ही नहीं वहां कहाँ है। परमात्मा को लोग सोचते हैं कि उनको अगर पैसा ऐसा चढ़ाया जाए तो वो खुश हो जाए, वो तो पैसा क्या चीज है वो जानते ही नहीं। मेरी ये उम्र हो गई, अभी अगर आप मुझसे कहें कि चेक लिखो तो मैं कह तुम लिख दो मैं सही करती, मेरे को मेरे बस का नहीं। उधर बुद्धि नहीं चलती है ना भगवान के ऊपर। अब वहां हमारा टिकट कट गया, ये तो पोप का जमाना आ गया जहाँ की पोप कहते हैं चलो टिकट कटा लो तुमको हम स्वर्ग भेज देंगे, वो स्वयं नर्क में जा रहे हैं, वहीं आप उनके पीछे पीछे चले जाइए। इस तरह की जो हमारी प्रवृत्तियां बनी जा रही हैं, उसका कारण कि हम अपने अज्ञान में संतुष्ट हैं, जैसे भी हैं वाह बस है। लेकिन नीचे से धरती खिसकती जा रही है, इसे समझना चाहिए। ये धरती नीचे से खिसकती जा रही, इस खिसकती हुई धरती पर आप खड़े हुए हैं। ये धरती जो सस्य श्यामलाम पुण्य भूमि है, इसको अपुण्य से भरने से ही आपने कुछ भी नहीं पाया। आज आपके सामने कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। अब ये जो बताना है ये तो सब कुछ हम बताएंगे ही, आप जानेंगे ही कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है, वो शुद्ध विद्या है, और आप रट भी लें तो आप सब पाठांतर कर लीजिएगा और सब भाषण हमारे जैसे भी देने लगे।
लेकिन उससे फायदा क्या होने वाला? जब तक आपको उसका अनुभव न हो तो इस अनुभव शून्य ऐसे अज्ञान में क्या मिलने वाला है? आप अपने को कुछ भी समझ लें, लेकिन आप अनुभव शून्य हैं। और अनुभव प्राप्त करना यही हमारा एक ही परम कर्तव्य है, क्योंकि इस भारत वर्ष में ही ये जड़ों की विद्या है, ये मूल की विद्या यहीं पर है। इसी देश से सारे संसार को प्रेरित करने के लिए जो प्रकृति ने और अवतारों ने व्यवस्था की है, वो सब हमारे जिम्मेदारी पर, हम हिंदुस्तानियों के जिम्मेदारी पर है, इस भारतीय लोगों के जिम्मेदारी पर है, जहाँ के हमें ये कहना है कि हाँ, हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इस ज्ञान में उतरेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किताबें पढ़िए, बिल्कुल भी नहीं होता। किताबें पढ़ने से मेरा मतलब नहीं है। अगर ये डॉक्टर वॉरेन सिर्फ किताबें पढ़े होते तो कुछ भी ना कह पाते, लेकिन जो अनुभव से जाना हुआ है, अनुभव से जो इन्होंने पहचाना है, तभी तो ना, ये तो तीन विषय में क्या पता नहीं पीएचडी किए हैं, फलाना किए, ठिकाना किए। अब एक छोटी सी बात साइंस की आपसे बताऊं कि एक बड़े भारी साइंटिस्ट हैं जिनका कि नोबल प्राइज थोड़े इसे चूक गए, तो उन्होंने कहा कि माँ आप कहती हैं कि मूलाधार चक्र पे श्री गणेश का स्थान है, और एक तरफ से वो ओंकार है और दूसरी तरफ से वो स्वस्तिक है, ये कैसे? मैंने कहा भाई तुम तो मॉडर्न आदमी हो, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं पता लगाना, तुम ऐसा करो एक एटम का चित्र बनाओ, एक बार लेफ्ट से बनाओ और एक राइट से बनाओ, कार्बन एटम को लेकर के तुम चित्र बनाओ। उन्होंने मुझे खबर की कि माँ आश्चर्य की बात है कि जब लेफ्ट साइड से देखते हैं तो ओंकार दिखाई देता क्योंकि राइट साइड दिखाई दी, और जब लेफ्ट राइट साइड से देखते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या दिखाई देता है? स्वस्तिक, और ये कार्बन का एटम है। आपने कैसे बात कही? मैंने कहा लिखा हुआ है चतवारी, इसमें चार वैलेंसीज हैं, वही कार्बन है, इसमें कौन सी ऐसी नई बात मैंने बताई? लेकिन ये कि तुम लोग विश्वास जो नहीं करोगे, घर में गणपति का चित्र लिख रखा हुआ है, उसको नमस्कार कर दिया, पर किसी डॉक्टर से मैं कहूँ कि भाई इस गणपति के वजह से तुम्हारा पेल्विक प्लेक्सस चलता है, तो कह रहे रंजीजी माता जी। अब इसके उदाहरणार्थ आपको मैं बताती हूँ कि हमारे एक सहयोगी थे काफी उम्र के, उनका नाम था अग्निहोत्री साहब, और उनके यहाँ बहुत अग्निहोत्र हुए और बड़े खानदानी ब्राह्मण थे। वो पूना से हमारे पास आए और मुझे कहने लगे कि माँ आश्चर्य की बात है कि मुझे तकलीफ हो रही है वो मूलाधार चक्र से। मैंने कहा ये कैसे हो रही तुमको मूलाधार चक्र? माने ये कि वहाँ एक ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड अब काम नहीं करा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो गणेश के ही भक्त हो और सहयोगी हो। तो उस वक्त जब जाने लगे तो हमारा प्रसाद है चने, मैंने कहा अच्छा चना खाओ, मैंने उनके हाथ में चना दिया, तो इधर उधर आनाकानी करने लगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक करनी है या नहीं? मैंने कहा आनाकानी क्यों करते हो? कहले माँ कल खा लूंगा। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, आज मैं चना वगैरह नहीं खाता। मैंने कहा यही कारण है तुम्हारा प्रोस्टेट खराब होगा। कहले ये क्यों कारण? मैंने कहा जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ वो संकष्टी तुम मनाते हो, जिस दिन किसी का जन्म होता है उस दिन तुम उपवास करते हो, क्या तुमसे गणेश जी खुश होंगे? खाओ अभी चना खा करके, आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन आप पूछ सकते हैं। वो जब पूना पहुंचे तो देखते हैं कि उनकी प्रोस्टेट एकदम ठीक चलने लग गई। इस प्रकार की हम अनेक गलतियां करते रहते हैं। जब कभी भी कोई भगवान का जन्म होना है तो सूतक बना के बैठ गए, सूतक कर रहे, माने ये हमारी पूजा अर्चा है उसे भी हम नहीं समझते। वही हाल अंग्रेजों का है, जब कोई मरा तो शैंपेन पियेंगे, ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन शैंपेन पियेंगे। उनसे कहा भाई शैंपेन तुम क्यों पीते हो? शराब तो निषिद्ध है, कैसे आप शराब पी सकते हैं? क्योंकि ये चेतना के विरोध में। वो कहेंगे हो गया आपके धर्मों में, हमारे धर्म में कैसे? ईसा मसीह ने एक शादी में शराब बनाई। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, उन्होंने पानी को द्राक्षा से द्राक्ष का रस बना दिया। आप बताइए कि शराब को सड़ाए बगैर वो बनती है क्या शराब? एक क्षण में कोई बना सकता है शराब? लेकिन इस बात को पकड़ के अब शराब पीना ईसाई धर्म हो गया, इसी प्रकार उपास करना ही
हमारे यहाँ हिंदू धर्म हो गया। फिर ठीक है, परमात्मा कहते हैं चलो तुमको उपास करना है, उपास करो, करो उपास, जिस जिस की आप इच्छा करेंगे वो इच्छा परमात्मा आपकी पूरी करते। उल्टी खोपड़ी से परमात्मा नहीं समझा जा सकता, जो वो है सो है, उनके आगे आप अगर कहें कि हम आपको बनाएं और आपकी हम व्यवस्था खुद करेंगे, तो ये बड़ी गलत फहमी हम लोगों का। आप स्वतंत्र हैं ऐसा आप कहते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमने भी बहुत आफते उठाई, आज हम लोग स्वतंत्र हो गए, लेकिन मैं नहीं सोचती आप स्वतंत्र हैं। आपको स्वातंत्र मिला है, लेकिन स्व का तंत्र जानना चाहिए। शिवाजी महाराज जो थे वो आत्म साक्षात्कारी थे, उनको मैं कहती हूँ पूरे भारतीय थे। उन्होंने कहा कि स्व का तंत्र जानना चाहिए, उनके गुरु रामदास स्वामी थे, उन्होंने उनसे बताया कि देखो जब तक स्वधर्म नहीं बढ़ने वाला, स्व का धर्म, स्वधर्म, तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। अब उनके नाम से ही लोग आफत मचाए हुए, पर जिस स्वधर्म की बात की थी उस स्व को जानने के लिए कोई भी प्रयत्नशील नहीं है। सारे धर्मों में यही रोना है, मोहम्मद साहब की तो बात क्या कहने, उन्होंने तो साफ कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा तब आपके हाथ बोले, इसको कयामा कहते हैं, उत्थान का समय, जैसे रेजरेक्शन का समय, जिसे कहना चाहिए उत्क्रांति का समय आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे। उन्होंने इतना कुछ उस कुरान में लिखा है, मेरे पिता ने खुद इसका ट्रांसलेशन किया, मैं जानती हूँ, उन्होंने साफ लिखा है कि उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, सारी नमाज जो है कुंडलिनी का जागरण है, और उन्होंने जो अल्लाह हो अकबर कहा हुआ है वो अकबर भी विराट श्री कृष्ण की बात की। लेकिन ये बात कहने से मुसलमान कल मुझे मारने दौड़ेंगे, और इससे भी अगर आगे बात करने लग जाऊं तो हिंदू भी मुझे मारने दौड़ेंगे, क्योंकि सत्य का विपरीत रूप करने से ही आज हम हर तरह से धर्म में अधर्म में हर तरह से एक भ्रांति में है। इस भ्रांति को हटाने के लिए सबसे पहले जैसे डॉक्टर वॉरेन ने बताया है और जैसे आपको सब सहयोगी कहेंगे, पहले आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। ये खेल खिलवाड़ की बात नहीं है कि आप जिसे चाहे उसे खेल खिलवाड़ कर लें, आप अपने से खेल खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम ये समय ऐसा है, इस वक्त चूकना नहीं। अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप अपने जीवन को पूर्णतया समझते हैं, तो एक बात तो माननी होगी कि अब आप में कुछ कमी तो जरूर है। आप केवल सत्य तो नहीं है, आप एब्सोल्यूट तो है नहीं, तो उसके लिए अगर ऊर्ध्वगामी जाने के लिए कुंडलिनी ही की व्यवस्था की हुई है तो क्यों ना उसे किया जाए। हर शास्त्र में लाओत्से की आप पढ़ लीजिए, या आप कन्फ्यूशस को पढ़ लीजिए, या आप सोक्रेटिस को पढ़ लीजिए, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े महान लोग हो गए हैं सब ने यही कहा हुआ है कि आपको अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। लोग आते हैं हम साहब जेन कर रहे हैं, जेन माने क्या, जेन माने ध्यान, पर ध्यान किया नहीं जाता, होता है। एक जेन के बड़े भारी प्राचार्य यहाँ आए थे जो कि वहाँ के हेड ऑफ जेन सोसाइटी, और उनको कोई बड़ी शिकायत थी तो मुझे लोग ले गए कि माँ इनको ठीक करो। तो मैंने कहा भाई तुम जेन कैसे हो, तुम्हारी तो वैसी दशा नहीं है, माँ हूँ ना, तो सच कह दिया तुम्हें तो आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, तो आपने इतनी बड़ी अपने ऊपर जिम्मेदारी कैसे ले ली। कहने लगे कि छठी शताब्दी में से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जरूर 26 जैन हुए थे, जिसको वो काश्यप कहते हैं। देखिए अपने कश्यप मुनि के पुत्र काश्यप का नाम रखा है, वो काश्यप रियलाइज सोल्स, और उसके बाद से हुए ही नहीं। तो मैंने कहा फिर तुम जैन वैन मत करो, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि जैन क्या है। जब तक तुम्हें आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक तुम्हें जैन करना व्यर्थ है। आत्म साक्षात्कार के बाद जो सामाजिक कार्य होता है उसमें मनुष्य जानता है कि आनंद और सुख क्या है, उसमें मनुष्य जानता है कि दूसरे आदमी की क्या विशेषता है। यहाँ पर आपके कलकत्ते में एक बार जब शुरू में हम आए थे, एक होटल में ठहरे थे, वहाँ कोई ऐसे ही अजनबी ने हमारा नाम सुना और वो हमसे मिलने आए और कहने लगे कि माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, और जब वो मेरे पैर पे आए, उनकी कुंडलिनी इतने जोर से ऊपर में आई
जो दूसरे सहयोगी दूसरे कमरों में बैठे हुए थे उनको ऐसा लगा कि पता नहीं कहां से इतना आनंद बरस रहा है, तो दौड़ते दौड़ते मेरे कमरे में आके पूछते, माँ किसको आपने आत्म साक्षात्कार दिया? मैंने कहा देखो जब उस पर हाथ रखा तो आनंद विभोर हो माँ क्या है। ऐसे ऐसे अनुभव, अनेक अनुभव सहयोग में आते हैं, जहां जिस आदमी को हम सोचते हैं कि बहुत ऊंचा आदमी है, जब उसके पास जाइए तो लगता है कि बिल्कुल घास फूस और कचरा है। और कोई आदमी के लिए सोचते हैं अरे ये बिल्कुल बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं, उसको देखते हैं तो पता नहीं कब का आत्मपिंड है, कब का ये बड़ा महान पुरुष रहा इस संसार में है। लेकिन इसको पहचानने के लिए भी तो आपके पास में वही केवल सत्य होना चाहिए कि उसकी ओर हाथ करके आप जान लेते हैं कि क्या है। कुंभ के मेले में जाने की आजकल बड़ी आफत मची हुई, कुंभ के मेले क्यों जाना? कुंभ के मेले क्या आप गंगा जी को पहचान सकते हैं? क्या आप जमुना जी को पहचान सकते हैं? अगर आपके पास गंगा जल ला के रखा तो क्या आप पहचान लेंगे कि ये गंगा जल है? नहीं पहचान सकते। कारण आपके पास केवल सत्य नहीं है। जब गंगा जल सामने रखेगा तो कोई भी सहयोगी बता देगा गंगा जल है, क्योंकि उसमें से चैतन्य की लहरी आ रही है, जो शिव जी के सहस्त्रार से बह रही गंगा है, तो उसमें तो चैतन्य आना ही हुआ। अब गंगा जी को हम पूछते, लेकिन गंगा जी जो सूक्ष्म है उसको तो जानते ही नहीं कि चीज क्या है ये गंगा जी। सालों से चला रहा गंगा जी में नहाओ गंगा जी में नहाओ, ये तो ऐसा ही जैसे कनेक पत्थर उसमें पड़े हुए हैं, ऐसे लोग नहाते और बाहर आते और फिर उनमें कोई भी ऐसा दिखता नहीं कि गंगा जी हो क्या तो कोई विशेष बात की। ऐसे जो लोग हज में जाते हैं वहां से लौट के आते हैं तो फिर वही स्मगलिंग करते। जब हज हो के आए, जब हाजी हो गए, दाढ़ी बढ़ा ली, अपने को हाजी बन के घूम रहे हो, तो भाई कुछ तो असर दिखाई देना चाहिए। कोई नहीं, सब एक ही साथ एक जैसे ही रह जाते हैं, जैसे गए थे वैसे ही बिल्कुल निरे कोरे, जैसे गए थे वैसे ही कोरे वापस चले आए, कुछ असर नहीं आया। क्या वजह है कि जो गंगा जी की सूक्ष्म चीज है उसको आपने पकड़ा नहीं, और पकड़ेंगे भी कैसे? अब यहाँ पर हमारे यहाँ जागरूक स्थान है, हम तो कहते हैं कि है, हर जगह हमारे यहाँ जागरूक स्थान है, और ये हम बाइबल में भी लिखा हुआ कि जो पृथ्वी तत्व ने और आकाश ने बनाया हुआ है उसको तू फिर से बना के उसकी पूजा न कर। इसका मतलब वो नहीं जो पृथ्वी तत्व ने बनाया उसकी न पूजा कर। अब ये तत्व हमारे यहाँ पृथ्वी तत्व से निकले हुए जो जागरूक स्थान है, आप कैसे जानिएगा ये जागरूक है या नहीं? कहीं पत्थर रख दिया, हाँ ये जागरूक स्थान है। अब ये राम की भूमि है कि नहीं है, ये जानने के लिए मुसलमान और हिंदू दोनों को अगर आप पार कराइए तो कहेंगे श्री राम की भूमि है, इसमें शंका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब हिंदू जाके वहां लड़े, और लड़के राम की भूमि भी मिल गई तो भी क्या फर्क आने वाला है हमारे अंदर? ये बाह्य की चीजों से अंतर्योग घटित नहीं होता है। जब अंतर्योग हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा मुसलमानों को भी और हिंदुओं को कि श्री राम की भूमि, और श्री राम ये मुसलमानों के लिए कोई दूसरे नहीं, और हमारे लिए भी मोहम्मद साहब कोई दूसरे नहीं। ये लोग सब रिश्तेदार हैं, बड़े पक्के आपस में, इनका कभी भी झगड़ा नहीं होता, एक दूसरे के सहायक हैं, आपको पता नहीं। लेकिन हम ही लोग बेवकूफ जैसे एक का नाम ये लिया एक का नाम ये लिया लड़ते रहते हैं, जैसे कि एक पेड़ पे अलग अलग समय पर निकले हुए महासुंदर फूल हैं, उनको अलग हटा लिया, उनको तोड़ लिया, जब वो मर गए तो ये मेरा फूल, ये मेरा फूल। पर अरे भाई तुम्हें क्या विशेषता आई है, कौन सी विशेष तुमने बात करी? जब खराबी पे आते हो तो सब एक साथ ही हैं, तब तो कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह से पंथ जातियां बना बना करके हम लोगों ने एक तमाशा बेवकूफी का खड़ा किया। कितने बेवकूफ इंसान है आप ही सोचिए, ये बेवकूफी के लक्षण है या नहीं कि हम इस तरह से ये मेरा धर्म ये मेरा धर्म, अरे धर्म तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। जिस वक्त कुंडलिनी जागरण होता है तो इसे हम लोग वॉइड कहते हैं, जिसको भवसागर कहते हैं, उस भवसागर में जब प्रकाश आता है तो धर्म अपने आप जागृत हो जाता है, ऐसे आदमी धर्मातीत होते। माने आप ही सोचिए कि तुकाराम जो बड़े संत हो गए, अगर वो कभी उनसे कहना पड़ता था कि आप शराब मत पियो या दूसरों का पैसा मत खाओ, कहना पड़ता था क्या? इन संतों से कहना तो नहीं पड़ता था ना, नानक साहब से ये तो नहीं कहना पड़ता था कि भाई तुम चोरी चकारी मत करो, उनको ये बात मालूम ही नहीं थी। माने वो धर्मातीत लोग थे, और ऐसे लोग हमारे देश में हो गए हैं, और उन्होंने जो बता दिया है अगर उनके तरफ जरा से भी नजर करें
तो समझना चाहिए कि वो कोई झूठ बोलने वाले तो लोग नहीं थे, उन्होंने जो बता दिया उसे हमें क्यों न करना चाहिए। इन लोगों की बातें भी और तरह की है, मैं आपसे बताऊं, ये जाति पाति को लेने वाले जो लोग हैं, खास करके सारी ही जाति में बड़े बड़े संत, महाराष्ट्र में तो इसकी आप पुष्प मालिका बना लीजिए। यहाँ पर एक हमारे यहाँ एक दर्जी जो कि नामदेव के नाम से मशहूर है, कभी राम नामदेव कहते हैं, संत नामदेव, वो गए मिलने किसे तो कुम्हार एक साहब जो गोरा कुम्हार थे। हम लोग ऊंची जाति और नीची जाति ये सारा कुछ अपने दिमागी जमा खर्च चलाते रहते हैं। वो जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने मराठी में काव्य किया हुआ है, नामदेव बहुत बड़े कवि थे, निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाशी, निर्गुण को मिलने आया तो सगुण मेरे सामने खड़ा हो। कितनी बड़ी बात है, इसको समझने के लिए भी आपको साक्षात्कार चाहिए कि वो तो चैतन्य देखने आए थे तो सगुण हो गया चैतन्य। ये बातें हम लोग नहीं कर सकते, वो एक कुम्हार था मिट्टी से खेलने वाला और ये एक दर्जी था। अब हमारे यहाँ के जो बड़े बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि साहब ये जो नामदेव जिनको गुरु नानक ने पाचारण किया था, जिनका इतना आदर किया था, जिन्होंने हिंदी और पंजाबी में इतने सुंदर काव्य लिखे, और जो इनके ग्रंथ साहब में नामदेव जी का नाम है, वो दूसरे थे और ये दर्जी दूसरा था, ये अकल निकाली। और दूसरी अकल की बात ऐसी निकाली है कि आदि शंकराचार्य जिन्होंने विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथवंथ लिखे थे, उन्होंने सौंदर्य लहरी नाम की चीज लिखी ही नहीं, क्योंकि सौंदर्य लहरी इनकी खोपड़ी में जाती नहीं है, इसलिए सौंदर्य लहरी नाम की चीज जिसमें माँ की स्तुति कर दी, क्या ये बेवकूफ की बात है इनके हिसाब से। ऐसे विद्वानों के चक्कर में रह रह करके और ऐसे लोगों के लेक्चर सुन सुन के हम लोग भी पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जब कबीरदास जी को मैं पढ़ती थी मैं कहती हूँ ऐसी कैसी बात, कबीरदास जी कहते कि पंडित कैसे मूर्ख हो गए। अब ऐसे बहुत मुझे मिलते हैं और जब ऐसे मिलते हैं तो मैं चुप्पी लगा जाती हूँ और कबीरदास जी से कहती हूँ कि अच्छे दर्शन दिए आपने इन लोगों के। कबीरदास जी के साथ कितने अन्याय हुए। कबीरदास जी ने कुंडलिनी को सुरती कहा, साफ साफ बात लिख दी सुरती है, उस पर हमारा आक्रमण इतना बुरा और भद्दा है कि बिहार में और हमारे उल्टे प्रदेश में जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ पर लोग तंबाकू को सुरती कहते और पता नहीं कौन से उल्टे देशों में कहते हैं, पर बहरहाल इन दोनों को मैं जानती हूँ, कहाँ तो कुंडलिनी और कहाँ ये राक्षसी तंबाकू, कैसा इसका मेल बिठाया। और कबीरदास जी को भी सारे बड़े बड़े जो विद्वान हमारे हिंदी के साहित्यिक हैं उन्होंने कहा कि साहब इनकी भाषा तो सधुक्कड़ी है और इसमें कोई सौष्ठवी नहीं है, क्या कहा जाए। मैं तो कहती हूँ कि जब आप जनसाधारण से बातचीत करिए तो रोजमर्रा की ही भाषा में बोलना चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे कैसे। हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आप जानते हैं महाराष्ट्र की भाषा बहुत ही, जब हिंदी बोलते हैं तो अत्यंत क्लिष्ट भाषा होती है, उस क्लिष्ट भाषा को कोई समझ नहीं पाता है। मुझे तो सोच सोच करके ये देखना पड़ता है कि रोजमर्रा की भाषा में किस तरह से बोलूं। और उन्होंने रोजमर्रा की भाषा में इतना सुंदर और इतना गहन विषय लिखा है और सभी संतों ने ऐसे किया। एक सज्जन कसाई थे वो कसाई, उनका किस्सा है कि एक बार एक बड़े भारी साधु बाबा पहुंचे और उनके किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके एक चिड़िया ने कुछ गंदगी कर दी तो उसकी ओर देखा तो चिड़िया टप से मर गई और नीचे गिरी। आगे गए देखते हैं एक औरत के वहां जाके दरवाजा खटखटाया, उसने कहा भी ठहरी मैं आती हूँ। उसने फिर कहा कि चलो भिक्षा दो, तो चावल लेके आई, कहती बिगड़ने कौन सी बात है, जिस चिड़िया को ऊपर से नीचे टपकाया है वैसी मैं नहीं हूँ, आप कोशिश कर लीजिए। तो कहा तुमने कैसे जाना, कहले जाना कुछ ना कुछ बात तो है जानने की। कहने लगे कि देखिए आप यहाँ से आगे जाइए एक गाँव है, वहाँ जाकर पूछे कोई सज्जन है क्या, उस सज्जन ने मुझे सिखाया है। तो ये उस गाँव में गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सज्जन नाम का आदमी रहता, कहले भाई कोई नहीं एक कसाई रहता है, कहले उसको भगवान भगवान का कुछ है, बाप रे बहुत है। जब वहाँ पहुँचे तो उनका कि
आपके बारे में मैंने सुना है, कहले मालूम है तुमने चिड़िया को मारा था और उस गांव में गए थे, वहां उस लड़की ने तुमसे बताया, ठीक है अब तुम यहाँ पहुंच गए हो। हैरान हो गए, इन्होंने मेरे बारे में इतना कैसे जान लिया। वो एक कसाई था, कसाई, लेकिन हम ऐसे कसाइयों पर विश्वास नहीं करने वाले जो कि संत शिरोमणि है। हमारे लिए तो संत यह है कि जो जेल से छूट के आया हो, पहली बात कुछ ना कुछ फ्रॉड किया हो, पहला कम से कम फ्रॉड करने लायक हो, उसके बाद वो टीला वीला लगा करके गेरुआ वस्त्र वस्त्र पहन के चौक में बैठ सकता है और लंबे लंबे भाषण दे सकता है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल लीडर रहा हो, अब उधर चली नहीं तो उसने ये धंधा शुरू कर दिया। ऐसे ही धंधे हम लोग शुरू करते हैं और लोग ऐसे लोग वाह 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 वा। ऐसे चक्करों में घूम घूम करके आप लोग कहाँ पहुंचेगा। सर्वनाश का समय आ गया, बड़ा चक्र चल रहा है, आपको नहीं पता कि काल चक्र कितनी जोर से हमारे ऊपर दौड़ा रहा है, सारे संसार में ये फैलने वाला है और इसको रोकने का पूरा उत्तरदायित्व, इसकी पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर है जो हिंदुस्तानी बनते हैं और विशेषकर वंग देश में रहते हैं, जो कि माँ के पुजारी हैं और आजकल सिर्फ महिषासुर की पूजा करते हैं। आज आपसे मैंने जो बात कही वो उस तरीके से कहना थी कि प्रेम की ओजस्विता है एक माँ की पहचान, इसमें होती है कि वो सही बात अपने बच्चों से निर्भीक कहती। शिवाजी महाराज की माँ के बारे में आपने सुना होगा, जिजाई, जिसने कि अपने बच्चे को हमेशा तलवार की धार पे खिलाया है। ईसा मसीह की माँ साक्षात महालक्ष्मी थी, लेकिन अपने बच्चे को सूली पर चढ़ता हुआ उस औरत ने देखा हुआ। हमारे इस देश में ऐसी अनेक स्त्रियां हो गई जिनके एक एक के नाम लीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि अंधकार में बढ़ते बढ़ते पाश्चिमात्यों का हाथ पकड़ लिया, अब तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क। कृपया कम से कम ये न करके थोड़ी नजर अपनी ओर करें और इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। कल आपको ये और बताएंगे सारे चक्रों के बारे में, सब रटवट लीजिएगा इसमें कितने चक्र हैं, कौन से डीटीज कहाँ बैठे हैं, क्या है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये जानने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आज आशा है आप लोग सब आत्म साक्षात्कारी बनेंगे, लेकिन आज ये क्रांति के दिन है जबकि घर में बैठ के और घंटा बजा के पूजा करने वाले नहीं, आज सामूहिक तरीके से सहयोग करना होगा। सामूहिकता में ही आप सहयोग में बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जान लीजिए कि जो लोग, बहुत लोग कहने लगे कि हम तो माँ आपसे दीक्षित हो गए, और फिर यहाँ दीक्षित कहते दीक्षित हो गए और आगे क्या, हम घर में बैठकर आपकी पूजा करें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको सामूहिकता में उतरना चाहिए। अब जरूरी है कि हम लोग कुछ पैसा वैसा लेते नहीं, क्योंकि पैसे से तो भगवान मिलता नहीं है, और ऐसी कोई बड़ी भारी आलीशान हमारे पास जगह नहीं, जैसा कि एक हॉल है वहाँ एयर कंडीशन है, आप आइए तशरीफ रखिए और पार हो जाइए, ये सब व्यवस्थाएं नहीं। लेकिन अपने अहंकार को छोड़ के और अपनी मोटरों को छोड़ करके नंगे पांव आपको आना होगा और पाना होगा। जैसे ज्वालामुखी में अकबर खुद देवी ज्वालामुखी पर सोने का छत्र चढ़ाने गए, बहुत बड़ा छत्र, नंगे पांव गए, उन्होंने सोचा कि सब मेरा ईगो खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया और छत्र चढ़ाया। लेकिन उस वक्त देखा कि और सब लोग जरा गरीब हैं, तो कहने लगे तुम्हारे तो बस का नहीं है कि ऐसा छत्र चढ़ाए, इसलिए मैं दिल्ली से देवी पर छत्र चढ़ाने आया। उसी वक्त ज्वालामुखी ने अपने दर्शन दे करके उस छत्र को भस्मसात कर दिया, आज भी वो छत्र लोहे के रूप में पड़ा हुआ। ऐसे ही है, नम्रता पूर्वक पाने की इच्छा से आप आइए, कोई भी उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए, सादगी से आए और इसे प्राप्त करें, क्योंकि ये आपका धन है, ये आपकी चीज है, आपकी संपत्ति है, आपका सब कुछ है, सिर्फ हम आपको देने हैं। पर जैसे कि माँ का होता है कि साम दाम दंड बेदनी सी जो बन पड़े उससे भाई लो, ये काम माँ ही कर सकते। अभी कृष्ण होते तो सुदर्शन चक्र निकाल करके 2500 की गर्दने उड़ा देते, और ईसा मसीह होते तो अपने को क्रॉस पे लटका लेते, मोहम्मद साहब होते तो तलवार निकाल लेते, उससे क्या काम होने वाला है। सबूरी की बात है, हमारे पास सबूरी बहुत है, पर आप में आतुरता होनी चाहिए और परमात्मा की कृपा से अगर ये काम बन जाए, यहाँ अगर 20 भी अच्छे सहयोगी बन जाए तो आपका बंगाल देश सोनार बंगाल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, और अनेक देशों से लोग आके आपके चरण छुए।
पर आजकल की जो 420 है और आजकल की जो उथली प्रवृत्तियां उससे बाधा है गहनता में। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और उस सुबुद्धि में आप परमात्मा को प्राप्त करें।